कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। इस दौरान सभी एयरलाइंस से लेकर ट्रेन सेवाएं तक पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ट्रेन सेवाएं बंद होने के बाद भी भारतीय रेलवे की अच्छी खासी कमाई हो रही है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर ट्रेन सेवाएं तो बंद है, लेकिन पार्सल ट्रेन अभी भी चल रही है। लॉकडाउन के दौरान कई जरूरी कमोडिटी और मेडिकल ढुलाई का काम जारी है। इसमें मेडिकल सप्लाई, फूड, तेल, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसी चीजों की ढुलाई से रेलवे की कमाई हो रही है। लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान पार्सल ट्रेनों से रेलवे को अभी तक 7 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। 14 अप्रैल को इंडियन रेलवे ने एक स्टेटमेंट जारी कर जानकारी दी कि कुल 77 ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिसमें 75 पार्सल स्पेशल ट्रेनें हैं। इसके अलावा एक दिन में रेलवे ने 1835 टन माल की ढुलाई की है, जिससे उसे 63 लाख रुपए की कमाई हुई है। रेलवे ने बताया कि लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान 522 ट्रेन सर्विसेज का संचालन किया गया। इस दौरान रेलवे ने कुल 20,474 टन माल की ढुलाई की। इससे रेलवे को कुल 7.54 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन।